कहते हैं किसी भी इमारत को खड़ा करने के लिए पिलरों की बहुत आवश्यकता होती है और ऐसी बहुजन समाज के पिलर आज हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र जी और सीपी सिंह साहब बहुजन कार्यालय के अंदर हम लोग मौजूद हैं। मैं हूं सुरेंद्र सिंह। आइए सर, आपका पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को अगले साल पर मुबारक बधाई हो। सिंह साहब आपको भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा पूरे देशवासियों को नया साल भी मुबारक हो जी और आपके लिए धन्यवाद जी। क्या आप जरा सर आपको भी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा जो है सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, दिल्ली वासियों को नए साल की मुबारक हुआ जी। और हम बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए पूरे प्रयास करते हैं इस साल जी। जिता के रहेंगे जी। सुरेंद्र जी एक बात बताइए, अभी बहन कुमारी मायावती ने जो गठजोड़ करा है अखिलेश सरकार के साथ या सपा सरकार के साथ, तो इस रणनीति को क्या देखते हैं 2019 में किस तरीके का रिजल्ट रहेगा? दिल्ली में इसका फर्क पड़ेगा या सभी जगह पर इसका फर्क पड़ेगा, उसके बारे में बताएं। माननीय बहन जी के द्वारा जो गठबंधन हुआ है पूरे देश में, इस गठबंधन का निश्चित तौर से असर पड़ रहा है जी। और जब पूरा जब सूरत पूर्व से निकलता है जी, तो दिल्ली में उसकी किरणें पड़ती है जी। उत्तर प्रदेश में लहर आएगी तो दिल्ली प्रदेश में भी लहर होगी। और निश्चित तौर से माननीय बहन जी को देश के करोड़ लोगों की चाहत बन गई है जी। इस देश की तमाम क्षेत्रीय पार्टी की चाहत बन गई कि माननीय बहन जी देश की प्रधानमंत्री बने जी। और आप देख रहे हैं कि उधर अभी अखिलेश जी ने गठबंधन किया है, इधर माननीय वाले तेजस्वी यादव जी अभी माननीय बहन जी से मिल रहे हैं जी। तमाम ऐसे देश में बहुत सारी ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जी, जो माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी से सांसद जिताकर गठबंधन के तहत जो सांसद जीतेंगे माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे जी। सिंह साहब एक बात बताइए, एक तो जो है कहते हैं कि राजनीति का प्रधानमंत्री का जो रास्ता होता है वो उत्तर प्रदेश होके आता है, ये कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है? और यूपी के अंदर हम लोग कितनी सीटों पर लगता है कि हम लोग कितनी सीटों को अपने पाले में ले पाएंगे बहुजन समाज के पाले में? इस देश में जब भी प्रधानमंत्री बने हैं ज़्यादातर उत्तर प्रदेश से बने हैं, और क्योंकि देश का वो सबसे बड़ा प्रदेश है जी। 80 MP की सीट वहाँ पर जी। और अभी जो बहन कुमारी मायावती ने गठबंधन किया है जी, पहले भी हम लोगों ने गठबंधन किया था 1995 में जी, तब भी उसका असर पूरे देश में देखा गया था। उस समय भी बीजेपी उस समय पूरे उन्माद पे थी जी। और आज पूरे देश में क्योंकि उनके केंद्र में भी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, आज भी पूरे उन्माद में वो चल रही है जी। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए बहन कुमारी मायावती ने इस अलायंस को किया है जी। और उसका ट्रेलर अभी कुछ दिन पहले फूलपुर की सीट जी, और जो बीजेपी की सीट मानी जाती है जी, गोरखपुर की सीट जी, पर जिस तरह जीत हासिल की है इस गठबंधन ने जी, उससे ये मैं 100% कह सकता हूँ जी कि आने वाले दिनों में 80 की 80 सीट पर ये गठबंधन जीतेगा जी, और उसे कोई माइकलाल हरा नहीं पाएगा जी। तो इससे उत्तर प्रदेश से जब इतनी सीट जीतेंगे तो निश्चित देश के अंदर जो इस देश के अंदर आज चाहत है, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की पार्टी सपा पार्टी हो जो आज अखिलेश चला रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव की पार्टी हो, चाहे देवागौड़ा की पार्टी हो, चाहे जितने भी छोटे मोटे दल हैं, चाहे मतलब इधर चौटाले की पार्टी हो, इन सब का इन लोगों ने एक बात कही है कि इस देश में आज यदि मोदी का कोई मुकाबला कर सकता है तो एकमात्र नेता जिसका नाम बहन कुमारी मायावती है जी। और उसका असर अभी कुछ दिन में आपको देखने का एक समझौता हुआ, बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी लोगों को पूरे देश को बताने का काम किया जी। अभी तुरंत जैसे ही मतलब इन्होंने वो समझौता हुआ जी, तो दूसरे राज्य भी मतलब इस प्रयास में लगे कि किस तरह हम बहन कुमारी मायावती से गठबंधन उधर करें जी। और उनके हाथ को मजबूत करें, क्योंकि आज जो साफ सुथरी छवि इस देश के अंदर बहन कुमारी मायावती किसी दूसरे नेता की नहीं जी। उनकी कार्य क्षमता को भी लोगों ने देखा है जी। उनके 4 बार का जो शासन है उत्तर प्रदेश में उसको भी देखा है जी। उनके लॉ एंड ऑर्डर को भी देखा है जी। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि आज उनसे सशक्त नेता इस देश के अंदर कोई नहीं है जी। सर मैं आपसे भी, राजनीति के अंदर बहुत अच्छी भूमिका रहती है आपकी, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि अगर इस देश में कोई भावी प्रधानमंत्री के रूप में नजर आता है तो वो बहन कुमारी मायावती नजर आती है, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप, कहां तक सच है ये बात? ये बात अब जो है लगभग 100% सत्य है जी कि इस बार जो है बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी जी, और कोई माई का लाल उनको रोक नहीं पाएगा। अगर कोई
शख्सियत इस देश के अंदर है जी। और जो मोदी का मुकाबला कर सकती हैं जी, तो वो बहन कुमारी मायावती जी हैं जी। और उनके पास सब नीति और निर्देश और राजनीति करने का उनके पास तरीका है। उन्होंने इस देश के सबसे बड़े प्रदेश में 4 बार सरकार चला करके जी दिखा दिया। आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसा इस देश के 29 राज्यों में ऐसा शासन नहीं चलाया जैसा बहन कुमारी मायावती जी ने जी चलाया। उसमें विकास भी किया और अपने बहुजन इतिहास को भी बहन जी ने जो है चमकाया, और जो इतिहास किताबों में नहीं था वो बहन जी ने इतिहास जो है जमीन पर लिखा जी। ऐसा हमारी बहन जी है, अगर उनको जो मौका मिलेगा इस बार तो वो देश को भी इसी तरह से चलाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छी तरह से चलाएंगी। आप थे हमारे साथ सीपी सिंह साहब, और सभी अधिकारी बहुत ज़्यादा जिम्मेवार लोग हैं बहुजन समाज के, जो पूरा का पूरा नेतृत्व देते हैं बहुजन समाज की रणनीति को मोड़ने का, और जिन्होंने बताया कि अगर 2019 में बहन कुमारी मायावती बीजेपी को कांग्रेस को कोई चुनौती दे सकता है तो वो सिर्फ बहन कुमारी मायावती हैं। हमारे चैनल से बात करने के लिए सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।